जब भी आप अपने इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं, किसी भी फ्रेंड की स्टोरी को देखने के लिए क्लिक करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की जो एरर है वो आ जाती है। ऐसे केस में आप तो ना उस स्टोरी को देख पाते हैं और ना ही ये पता कर सकते हैं कि किस कारण से ये एरर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में आया है, जिसकी वजह से हम किसी की स्टोरी को नहीं देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी को फिक्स करने का तरीका आपको बताएंगे आसान सा तरीका, जिसकी मदद से आप इसे जल्दी से जल्दी फिक्स करके अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को सिक्योर कर सकेंगे और साथ ही सभी प्रकार की स्टोरी को आसानी से देख सकेंगे। इस वीडियो को काफी गौर से देखिएगा बिल्कुल लास्ट तक, तभी ये जो प्रोसेस है वो काम करेगा और तभी आप अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं टेकिस्ट9 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम तो वेस्ट में। आपको क्या होता है कि स्टोरी आप नहीं देख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टोरी आप नहीं देख सकते हैं, आपके सामने काफी सारी स्टोरी दिखती है, बट कुछ कुछ स्टोरी ऐसी होती है जिसे आप नहीं देख सकते हैं और यहाँ पे एक ब्लैंक ब्लैक कलर का पेज आ जाता है और वो हटता नहीं है और ना ही वो स्टोरी चलती है। ऐसे केस में यहाँ पे कुछ लिखा नहीं होता है कि किस कारण से ये जो एरर है वो आया हुआ है, तो इस वजह से हम इसे फिक्स करने का तरीका नहीं समझ पाते हैं कि कैसे इसे फिक्स किया जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे इसे फिक्स कर सकते हैं और कैसे मैंने इसे फिक्स किया, क्योंकि ये मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आया था। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपके इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में गड़बड़ी है या फिर आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ये गड़बड़ी है जिसके कारण ये जो एरर है वो आया। पता करने के लिए सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को एक ब्राउजर को ओपन करके instagram.com में जाके उसे ओपन करना है। अगर आप जाएंगे instagram.com में लॉगिन पेज में और यहाँ पे आप अपने इंस्टाग्राम के यूजर नेम और पासवर्ड को डालेंगे और लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि क्या यहाँ पे जो स्टोरी है, जो कि आपके प्रोफाइल की जो जितनी भी स्टोरी है आपके फ्रेंड ने लगाई हुई है, क्या आप सभी को देख पाते हैं। अगर देख पाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी बस इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में है। क्योंकि अगर प्रोफाइल पे गड़बड़ी होता तो आप यहाँ पे भी इस स्टोरी को नहीं देख पाते। तो अब आपको पता चल गया है कि आपके इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में गड़बड़ी है, चाहे आप लाइट वर्जन यूज कर रहे हैं या फिर आप मेन एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। तो अब आपको उसे फिक्स करना है कि किस तरह से हम एप्लीकेशन को फिक्स कर देंगे जिसके बाद ये जो प्रॉब्लम है ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। अपने डिवाइस में प्ले स्टोर को खोलने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में इंस्टाग्राम सर्च करना है। इंस्टाग्राम जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने इंस्टाग्राम आ जाएगा और इंस्टाग्राम में जैसे ही आप एंटर कर जाएंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, पहला अनइंस्टॉल और दूसरा ओपन, जैसा कि आप सभी को पता है। अगर आपको यहाँ पे ओपन की जगह पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो यहीं से क्रिएट होता है। काफी सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास अपडेट करने का टाइम नहीं होता, वो अपने एप्लीकेशन को टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करवा दें, जिसकी वजह से उनका जो एप्लीकेशन है वो काफी पुराना हो जाता है, वो वर्क नहीं करता है। तो अगर आपको अपडेट दिख रहा है तो आपको इंस्टेंटली उसे अपडेट कर देना है। अपडेट करने के साथ ही 90% केस में ये जो एरर है वो अपने आप रिमूव हो जाता है। अब क्या है कि अगर आपके सामने अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जिनको अपडेट दिख रहा है तो वो तो अपडेट करके इसे फिक्स कर लेंगे। अब जिनके पास अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है उसको कैसे फिक्स किया जाएगा, अब हम आपको ये बताते हैं। अगर आपको अपडेट नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, बैक हो जाना है, अपने फोन की सेटिंग पेज पे आना है। यहाँ पे आपको ऐप का एक सेटिंग मिल जाएगा जिस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपकी जो डिवाइस की सारी एप्लीकेशन दिख जाएगी। अब यहाँ पे आपको अपने इंस्टाग्राम को सर्च करना है। जैसे आपको इंस्टाग्राम दिख जाएगा उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको स्टोरेज का सेक्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर डाटा और क्लियर कैश का ऑप्शन आ गया। अगर यहाँ पे क्लियर कैश का ऑप्शन आपके पास आता है तो आप इंस्टेंटली क्लियर कैश पे क्लिक करके इसकी जो कैश फाइल है वो डिलीट कर देंगे, या फिर आप चाहे तो क्लियर डाटा भी कर सकते हैं, ये पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। इसको करने के बाद आप इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं फिर भी ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है, तो लास्ट ऑप्शन एक ही बचता है, स्टोर में जाना है, इंस्टाग्राम को ओपन करना है और वहां पे आपको इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल करके इंस्टेंटली दोबारा से इंस्टॉल करना है। ऐसा करने के साथ ही आपका इंस्टाग्राम का जो भी ग्लिच होगा वो फिक्स हो जाएगा। जब आप इंस्टाग्राम खोलेंगे, अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, आपके सामने जो भी स्टोरी आती है वो आप आसानी से देख सकते हैं। इसी तरह से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। ये जो तरीका मैंने आपको बताया इसमें से किसी भी तरीके से आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाता है तो आपको लास्ट तक अप्लाई करना है। जहां पे भी आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाता है वहीं से आप इसे बंद कर देंगे। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि आने वाले ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाएगी। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया या फिर मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रॉब्लम से रिलेटेड मैंने एक पोस्ट लिखा हुआ है, अगर आपको वीडियो में समझने में थोड़ी भी दिक्कत हुई या आपको समझ में नहीं आया क्या मैंने आपको बताया हुआ है तो आप उस पोस्ट को रीड कर सकते हैं मेरे वेबसाइट पे जाके। टेकिस्ट9 ऑफिशियल वेबसाइट का नेम है, आप इसे गूगल पे भी सर्च करके जा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।